बसमलिराकुम क्लास फॉर हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल विल बी फाइन स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू रीड द रिमेनिंग ट्रांसलेशन फ्रॉम द यूनिट नंबर नाइन ब्यूटी एंड एंडस्ट पार्ट वन पेज नंबर नाइन्टी थ्री सीन टू हम स्टार्ट करेंगे सीन वन की हम रीडिंग कर चुके हैं अ फ्यू डेज लेटर इन द सेम रूम कुछ दिनों बाद उसी कमरे में द चिल्ड्रन आर डूइंग वेरियस थिंग्स बच्चे मुख्तु काम कर रहे थे वेरियस मीनस मेहनती दो दे आर नॉट बींग इंडस्ट्रियस इंडस्ट्रियस का मीनिंग होता है ज़्यादा मेहनती होना वो अब तक ऐसा मेहनती नहीं हुए थे द मर्चेंट इज़ लुकिंग ग्रेव ताजर जो है वो संजीदा नज़र आ रहा था ब्यूटी इज़ कुकिंग ब्यूटी खाना पका रही हैं अब आगे से उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई ये आपको सीन बताया गया है मर्चेंट कह रहे हैं सिट डाउन फॉर अ मिनट ऑल ऑफ़ यू आप सब एक मिनट के लिए बैठ जाए आई हैव सम सैड न्यूज़ टू गिव यू मेरे पास एक बुरी खबर है आपको देने के लिए अप्रैल वी आर ऑल सिटिंग आवर गैडी फादर बाबा हम सब ऑलरेडी यानी कि पहले से ही बैठे हुए हैं जून यस ऑल ऑफ अस अपार्ट फ्रॉम ब्यूटी जी हम सब हम सब बैठे हैं ब्यूटी के अलावा क्योंकि ब्यूटी कुकिंग कर रही थी अप्रैल वेल शी हैज़ टू बी डिफरेंट डज शी हाँ क्योंकि उसे हमेशा मुख्तलिफ दिखना होता है या मुख्तु करना होता है कुछ जैक टू अप्रैल एंड जून अब जैक ने अप्रैल और जून से कहा खामोश हो जा, stop it, जाओ स्टॉप इट रुक जाओ लिसन टू वट फादर हैज़ टू से और सुनो के फादर या बाबा क्या कहना चाहते हैं जोसेफ येस कम अलॉन्ग ब्यूटी हाँ ब्यूटी तुम भी यहाँ आओ लेट्स हेयर चलो सुनते हैं वट फादर हैज़ टू जे बाबा ने क्या कहना है तो ब्यूटी स्टॉप कुकिंग एंड ज्वाइन द अदर अब ब्यूटी ने कुकिंग स्टॉप कर दी है और ज्वाइन द अदर यानी उन सबके साथ आकर बैठ गई है जॉर्ज इस टेयर हाउस फादर बाबा क्या ये गोदाम के बारे में है यानी जो वो ख़बर देने जा रहे हैं मर्चेंट यस इट इज़ जॉर्ज हाँ जॉर्ज गोदाम के बारे में एंड देयर इज़ मोर बैड न्यूज़ टू और उससे भी ज़्यादा बुरी खबर है Now open the page number 95 फा नाइन्टी फोर ब्यूटी ओ आई एम सो अन हैप्पी अबाउट डेथ बाबा मैं पहले उस बारे में उसके लिए नो नाखुश हूँ फादर बाबा को कह रही है यू हैव लॉस्ट द वेयर हाउस वट आपका पूरा गोदाम चला गया इससे बदतरीन या इससे बुरा तरीन क्या हो सकता है मर्चेंट देर इज़ मच वर्स न्यूज ब्यूटी ब्यूटी इससे भी बुरी खबर है आई heard दिस मॉर्निंग मैंने सुबह सुना यानी आज सुबह सुना that the bringing द my new न्यू गर्ल्स lost. ऐसी कि वो बहरी जहाज़ जो मेरी सारी चीज़ें ला रहा था न्यू चीज़ें नई चीज़ें नया सामान जो उन्होंने मंगवाया था वो समुंदर में खो गया है यानी उसमें बर्बाद हो, हो गया ख़त्म हो गया ब्यूटी नो हाउ टेरिबल नहीं ये कितना ज़्यादा है अप्रैल और डियर नो न्यू जैसे ओहो क्या हमारे नए कपड़े नहीं आएंगे जून नो न्यू जुल ना ही नए जेवरात जैक इट साउंस लाइक वी आर इन फॉर आर ट्रबल टाइम आर फादर बाबा ऐसा लग रहा है कि हम पर बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है मर्चेंट ताजिर बोल रहा है येस yes, जैक हाँ जैक ट्रबल इन डी दर हकीकत मुश्किल आ चुकी है सिंस वी हैव नो गुड्स इन द वेयर हाउस एंड नो गुड्स ऑन द वे वी आर आरड क्योंकि हमारे पास ना ही वो चीज़ें जो हमारे गोदाम में थी और ना ही वो चीज़ें हैं जो कि आने वाली थी तो हम बर्बाद हो चुके हैं जोसेफ व्हाट विल यू डू फादर बाबा अब आप क्या करेंगे मर्जेंट आई शेल गो टू फाइंड सम वर्क जोसेफ जोसेफ मैं कोई काम ढूंढने जाऊंगा देर इज़ नन हेयर यहाँ कुछ नहीं है वी विल ऑल हैव टू डू आवर शेयर हम सबको बांटना पड़ेगा मतलब मिलकर काम करना पड़ेगा जॉर्ज आई शेल कम विद यू फादर मुझे आपके साथ जाना चाहिए बाबा आई एम रेडी टू फाइंड वर्क मैं काम ढूंढने के लिए तैयार हूँ ओके okay, तो नेक्स्ट है मर्चेंट डैर्स गुड जैक ने भी बोला कि जोसेफ ने बोला जॉर्ज uh, कह रहा है कि आई शेल कम विद यू मैं आपके साथ जाऊंगा नाउ मर्चेंट से गुड टू द जॉर्ज विल हैव टू डू सेम के जोसेफ ये सुनकर मुझे खुशी हुई ये uh, सही है और दूसरों को भी ऐसा ही करना चाहिए जैक आई शेल लिव टू डे फादर मैं भी आज चला जाऊँगा आई शेल कम बैक विद विदीज़ फॉर ऑल ऑफर और हम सब के लिए कुछ ना कुछ लेकर ही वापस आऊँगा जोजेफ एंड आई विल गो विद जैक और मैं जैक के साथ जाऊँगा अब जोजेफ़ और जैक इकट्ठे जा रहे हैं काम ढूंढने अप्रैल अप्रैल ने जून की तरफ फेस करके बोला है वी कैन लुक आफ्टर द हाउस हम घर की देखभाल कर सकते हैं फादर वाइल यू आर अवे जब आप यहाँ नहीं होंगे जून यस एंड ब्यूटी कैन स्टे एंड लुक आफ्टर अस हाँ और ब्यूटी भी रुक सकती है और हमारी देखभाल कर सकती है एंड वैन यू रिटर्न फादर विल यू ब्रिंग अस सम न्यू क्लॉस और बाबा जब आप वापस आएंगे तो क्या हमारे लिए नए कपड़े लाएंगे अप्रैल एंड सम न्यू ज्वेलरी और कुछ नई ज्वेलरी मर्चेंट कह रहा है येस यस आई इफ़ आई रिटर्न एंड इफ़ आई हैव सम मनी अगर मैं वापस आया और मेरे पास पैसे हुए एंड वट अबाउट यू ब्यूटी और ब्यूटी तुम्हारा क्या ख्याल है वट वुड यू लाइक मी टू ब्रिंग यू तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊ ब्यूटी सेस आई वॉन्ट नथिंग मुझे कुछ नहीं चाहिए फादर बट यू सेफ़ रिटर्न लेकिन आप खैरियत से वापस आ जाइए आपकी खैरियत से वापसी चाहती हूँ एंड इफ़ यू विश टू मी समथिंग ब्रिंग अगर आप चाहते हैं कि मेरे लिए कुछ लाए तो एक गुलाब ले आइएगा मर्चेंट डैट आई शेल माई ब्यूटी मैं ऐसा ज़रूर करूँगा मेरी ब्यूटी अपनी बेटी को वो प्यार से बोल रहा है ना ओपन द पेज नंबर नाइन्टी फाइव सीन थ्री स्टार्ट है इन द डार्क फॉरेस्ट तारिक जंगल में इन द मिडल ऑफ Uh, रात के दरमियान और तारीख जंगल है मुझे डर है कि हम खो चुके हैं जॉर्ज आई थिंक वी आर फादर मुझे भी ऐसा लगता है बाबा वी शुड नेवर है सड़क नहीं छोड़नी चाहिए थी एंड टेकन दिस फॉरेस्ट और इस जंगल का रास्ता नहीं लेना चाहिए था मर्चेंट इट इज अ वेरी डार्क हेयर इज नॉट इट यहाँ पर बहुत अंधेरा है कि ऐसा नहीं है जॉर्ज डार्क एंड कोल्ड टू अंधेरा भी है और बहुत ठंडक भी है आई एम सो टायर्ड मैं बहुत थक चुका हूँ आई कुड स्लीप ऑन द ग्रास लाइट नाउ मैं राइट uh, हेयर right कि मैं यहाँ पर घास पर सो सकता हूँ अब मर्चेंट कह रहा है मर्चेंट ने उसे जवाब दिया यू मे नॉट नीड टू सन बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा लुक देखो इज दैट अ वॉल आड ऑफ अस हमारे सामने एक दीवार है जो इट इज़ हा फ है पर हैव गर इज अ हाउस है वहाँ कोई घर हो लेट्स सर्च फॉर द एंट्रेंस चले इसका दाखिल दरवाज़ा या दाखिल रास्ता ढूंढते हैं मर्चेंट है इट इज इट इज़ नॉट अ हाउस ये यहाँ है और ये कोई घर नहीं है जॉर्ज इट इज अ कासल ये एक किला है जॉर्ज देयर डज नॉट सीम टू बी एनी बॉडी हेयर ऐसा लगता है कि यहाँ कोई भी नहीं है आई वंडर हु ऑनज इट मुझे हैरत है कि इसका मालिक कौन है मर्चेंट अब मर्चेंट बोल रहे हैं नेवर माइंड हु ऑनज इट ये मत सोचो कि कौन इसका मालिक है वी विल बी सेफ इन हेयर हम यहाँ महफूज रहेंगे एंड कैन रेस्ट फॉर द नाइट और रात के लिए आराम कर सकते हैं द मर्चेंट पुशिज ओपन द ग्रेट डोर एंड दे गो इन साइड मर्चेंट ने ताजी ने बड़ा सा जो दरवाज़ा उसे जोर लगा कर खोला है और वो उसके अंदर चले गए जोर से लुक अकॉट यार एंड दार्डन देखे सेहन और बाग बहुत बड़ा सेहन था वहाँ का बाघ था जोर जिससे जो देख रहा है मर्चेंट सेस हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स इन द मून लाइट चांद की रोशनी में ये कितना खूबसूरत दिखता है तो स्टूडेंट्स हमने आज की ट्रांसलेशन पेज नाइन्टी फाइव तक ही करनी है आज आप इसी को रिपीट करेंगे इसे अच्छी तरह दोबारा से करेंगे नेक्स्ट ट्रांसलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आंसर आपने अपने सारे वर्किंग को अच्छे से करना है रुकना नहीं है नेटी स्कूल के स्लोगन को नहीं भूलना रुकना नहीं है आगे बढ़ते जाना है अल्लाह हाफिज